हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है अर्पित। तो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में FSSAI की तरफ से एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है जिसके बारे में हम बात करेंगे। ये इम्पॉर्टेंट काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। जो कैंडिडेट इस एग्जाम को क्वालिफाई कर चुके हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और जिन्होंने इस पर्टिकुलर एग्जाम को दिया था बट वो क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं उनके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। तो जैसा कि आपको पता है कि FSSAI का जो रिजल्ट था वो 2022 दिसंबर में डिक्लेयर कर दिया गया था सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर और टेक्निकल ऑफिसर। उसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था वो दिसंबर में के बाद में आपने देखा होगा डेट आई थी, तो जनवरी में उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है। तो फाइनली आप कह सकते हो कि ये ऑल ओवर जो प्रोसेस था सिलेक्शन का वो कंप्लीट हो चुका है। तो अभी FSSAI ने इससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट अपडेट दिया है। यहाँ पर उन्होंने जो भी स्कोर कार्ड था, जो कैंडिडेट इस एग्जाम को दिए होंगे, जिन्होंने इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए अप्लाई किया था, एग्जाम दिया था CBT 2 का, तो वहां पर उनका जो स्कोर कार्ड है वो अवेलेबल नहीं कराया गया था। लेकिन फाइनली जो है FSSAI ने इनका स्कोर कार्ड भी डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप देखोगे FSSAI के ऑफिशियल वेबसाइट पे मैं हूँ। यहाँ पर आप जैसे ही विजिट करोगे इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर जब आप देखोगे यहाँ पर मेंशन किया गया है एडवर्टाइजमेंट फॉर द नोटिस ऑफ DR04/2021 डिस्प्ले ऑफ इंडिविजुअल आंसर शीट। तो अभी तक जो भी आपकी आंसर शीट या फिर स्कोर कार्ड इंडिविजुअल कैंडिडेट का डिस्प्ले नहीं किया गया था उसको डिस्प्ले किया गया है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये आप ज़्यादा टाइम तक एक्सेस नहीं कर पाओगे, 25 जनवरी तक आपके पास में टाइम है। तो इस पर्टिकुलर नोटिस पे हम अभी क्लिक करेंगे, इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें आपको समझनी है। ये आपके सामने एक नोटिस है DR04/2021 रिक्रूटमेंट के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर मेंशन किया गया है, तो स्कोर कार्ड हैज ऑल्सो बीन प्रोवाइडेड टू ऑल द कैंडिडेट थ्रू पोर्टल लॉगिन। तो यहाँ पर एक आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो आप इस पे लॉगिन कर सकते हो, इस पोर्टल को लॉगिन कर सकते हो। वहां से आप अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर लिखा गया है कि द इंडिविजुअल आंसर शीट, तो यहाँ पर आपको इंडिविजुअल कैंडिडेट के आंसर शीट देखने को मिल जाएगी विथ फाइनल रिस्पॉन्स वुड बी मेड अवेलेबल टू ऑल क्वालिफाइड और नॉन क्वालिफाइड कैंडिडेट। यानी कि जिन कैंडिडेट ने इसको क्वालिफाई किया है उनके लिए भी यहाँ पर अवेलेबल है, और जिन्होंने इसको क्वालिफाई नहीं किया है वो लोग भी यहाँ पर अपना स्कोर कार्ड चेक कर सकते हैं फॉर 7 डेज स्टार्टिंग फ्रॉम 19 जनवरी टू, यहाँ से 19 जनवरी से 25 जनवरी तक आप इसको चेक कर सकते हो। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, 25 जनवरी से पहले आप इसको डाउनलोड करके रख लो, एटलीस्ट अपना स्कोर कार्ड देख लो, बाद में आप इसको एक्सेस नहीं कर पाओगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद में आपको जो भी यहाँ पर देखो लिखा गया है कि इट इज ऑल्सो इंटीमेटेड दैट देयर इज नो प्रोविजन फॉर इनवाइटिंग फर्दर ऑब्जेक्शन ऑन द रिस्पॉन्सेस फाइनलाइज बाय द रिक्रूटमेंट एजेंसी। ठीक है, तो इस टाइम के दौरान आपको इसको पर्टिकुलर को चेक कर लेना है अपने स्कोर कार्ड को। ठीक है, अपने स्कोर कार्ड को चेक कर लेना है, और इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप क्लिक करो और अपना जो भी आंसर शीट है उसको जरूर एटलीस्ट आप एक बार चेक करो, जिससे आपको आइडिया लगेगा और अगली बार जब आप एग्जाम दोगे तो आपको पता चलेगा कि आप में क्या कमियां रहीं जो आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, और जो क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं उनके और आप में क्या डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वजह से इस पर्टिकुलर स्कोर कार्ड को डाउनलोड करना बहुत ज़रूरी है, और आप अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डालोगे और आप इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो आंसर शीट है इसको डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।